हरियाणा के प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में नए अध्यादेश लागू किए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी किसान कहीं से भी फसल लाकर कहीं भी बेच सकता है। इन अध्यादेशों से किसान को अपनी फसल का भाव स्वयं तय करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी पूर्व की भांति चलती रहेगी। यह बात पूर्व कृषि मंत्री एवं भाजपा के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार में भाजपा पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए कही। आपको बता दें कि हरियाणा के 6 जिलों हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल, रेवाड़ी और नुहू में भाजपा पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम से किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन हिसार से किया गया, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार में भाजपा के नव निर्मित कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान अपनी फसल मंडी में लाता है तो वहां दूसरे लोग उसकी फसल का भाव लगाते हैं, लेकिन बहुत से किसान अपनी सब्जियों व फलों को सड़क किनारे खड़े होकर भी बेचते हैं, जिनका भाव वे स्वयं तय करते हैं। सरकार ने इस प्रकार कार्य करने वाले किसानों व व्यक्तियों को APMC एक्ट, प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी कानून बनाकर स्वतंत्र कर दिया है कि वे कहीं से भी कृषि उत्पाद लाकर कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मंडी व समर्थन मूल्य आधारित व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों कार्य करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में झूठ के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SYL के संबंध में राय दी है कि जब हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्री आपसी सहमति से इस मामले का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब को हरियाणा का बड़ा भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाना चाहिए और हरियाणा को उसके हिस्से का 19 लाख एकड़ फुट पानी देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जनता से अधिक पेड़ लगाने के लिए आह्वान किया है और जानकारी दी है कि पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर भी 100 पौधे लगाकर प्रकृति का कर्ज उतारने का प्रयास किया गया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो संभालते ही एक आह्वान मैंने कार्यकर्ताओं को किया है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कम से कम एक पेड़ लगाए और उसका संरक्षण और पोषण भी करे। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है जहां वानिकी क्षेत्र बहुत मामूली है और बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए बाकी ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं और आधुनिकता के जो अन्य साधन है, जैसे हम यहाँ बैठ के शीतलता का जो आनंद ले रहे हैं और उद्योगों के कारण से जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा या पर्यावरण का शुद्ध रहना, वो बहुत ही महती आवश्यकता है। पेड़ हमारे बाहरी फेफड़े हैं, इसलिए यहाँ इस कार्यालय में भी आज इसके उद्घाटन में सबसे पहले हमारे साथियों ने यहाँ 99 पेड़ लगाए और 100 पेड़ मेरे से लगवाया। तो मैं आह्वान करता हूँ कि 16 अगस्त तक का समय हमने इस काम के लिए कार्यकर्ताओं के लिए रखा है। जो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ऐसे अपने आप को कमिटेड करता है, वैसे हर कार्यकर्ता को मेरे आह्वान है। मैं जहाँ भी जाऊँगा तो उससे जरूर पूछूंगा कि तुमने पेड़ लगाया कि नहीं लगाया, तुम्हारा पेड़ कहाँ संरक्षित है, कहाँ पोषित है, वो वृक्ष अवश्य लगाए। ये आह्वान मैं आपके माध्यम से आज हिसार से कर रहा हूँ। हमने 16 अगस्त का जो दिन है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के बहुत ही महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। हमने उस दिन तक इस आह्वान को रखा है और उस दिन का आह्वान हमने इस रूप में किया है कि हर गांव में और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर एक त्रिवेणी लगाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लगाएं, उनकी स्मृति को स्थायी करें, उनके गुणों को अपने अंदर
लाने का प्रयास करें और एक पर्यावरण के प्रति समर्पित एक समर्पित उनकी हर गांव में और शहर के हर वार्ड में। और हमने ये भी कहा है कि ऐसे जितना भी वृक्षारोपण हो उसके साथ अपनी सेल्फी भेजें। हमने मंडल अध्यक्षों को इसका दायित्व तो दिया है कि वो ऐसी सारी सेल्फियां कलेक्ट करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमको एक संख्या भी बताएं कि कितने लोगों ने अपने वृक्षारोपण करके सेल्फियां भेजी हैं। पूरे हरियाणा का उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा यज्ञ है सर्वोच्च न्यायालय ने एसवाईएल के संबंध में। क्लियर राय दी है कि दोनों मुख्यमंत्री बैठकर इसका समाधान करें। समाधान का पक्ष पंजाब के मुख्यमंत्री के पाड़े में है, इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर जी पॉलिटिकल विल दिखाएं और हरियाणा के हिस्से का जो 19 लाख एकड़ फुट पानी है, हम ऐसा राज्य है जहां 2 करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हमारे पास उपलब्ध पानी जो है वो 1 करोड़ 60 लाख एकड़ फीट है। 40 लाख एकड़ फीट पानी हम ओवर यूज कर रहे हैं जमीन से निकाल कर और इसलिए हमारा डायरेक्ट जोन बढ़ता जा रहा है। जमीन के अंदर का पानी ऐसे ही होता है जैसे बैंक में कोई खाते में पैसे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा अगर रिचार्ज नहीं होगा। जमीन से हम 1 करोड़ एकड़ फुट पानी निकालते हैं, 60 लाख एकड़ फुट रिचार्ज होता है, 40 लाख एकड़ फुट रिचार्ज नहीं होता, वो हर साल हम अतिरिक्त निकालते रहते हैं। और इसलिए हरियाणा के किसान को, दक्षिणी हरियाणा को बहुत जबरदस्त उस 19 लाख एकड़ फुट पानी की जरूरत है। आप उसके लिए बिल्कुल ये कहो कि हमारी भूमि उसकी प्यासी है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये बात एक मौका दिया है आपको बड़ा भाई होने का। हरियाणा पंजाब एक ही था, सारे वाटर रिसोर्सेज साझे के थे, इसलिए उस नाते से आपका दायित्व बनता है कि एसवाईएल का जो अधूरा काम है उसको पूर्ण करने में आप पॉलिटिकल विल दिखाएं और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को पहुँचाने में, एसवाईएल बनने में उदारता के साथ दोनों मुख्यमंत्री जब बैठे तो इस निर्णय में सहभागी हों, इस निर्णय को करके दिखाएं। एक विषय किसानों को एक रास्ता दिया है कुछ अध्यादेशों के माध्यम से कि किसान अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सके। मैं देखता हूं बहुत सारे स्थानों पर किसान भाई अपने अमरूद लेकर सड़क के किनारे बेचता है, अपने बाग के सामने खड़ा होता है। मैं बहुत सारे स्थानों पर देखता हूँ किन्नू किसान भी अपना किन्नू लेकर खड़ा होता है। मैं बहुत सारे स्थानों पर देखता हूँ कि सब्जी किसान भी अपनी सब्जी लेकर वहां बेचता है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका देना किसान के लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। हमारे किसान नेता जब भाषण करते थे तो भाषण ये करते थे किसान मंडी में जाता है, किसान को कोई सुनता नहीं है, बाकी लोग उसके माल की बोली लगाते हैं, लेकिन जब किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करता है तो कोई बोली नहीं लगाता। किसान बताता है प्याज की एक ट्रॉली लेकर खड़ा है तो मैं प्याज 20 रुपये किलो दूंगा, दूसरा आदमी बात नहीं करता है उसमें, कोई दूसरा बोली लगाने वाला नहीं होता। जब वो अमरूद अपना सड़क के किनारे बेचता है तो वो कहता है 40 रुपये किलो दूंगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसमें से एक अवसर और भी है कि बहुत सारे स्थानों पर किसान जब इस प्रकार से सब्जी उगाते हैं तो कोई रिलायंस फ्रेश वाला, कोई बिग बाजार वाला, कोई बिग बास्केट वाला, कोई फ्लिपकार्ट वाला कहता है कि ये पूरी सब्जी मैं ले लूँगा, ये पूरे टमाटर मैं ले लूँगा 2 एकड़ के, ये पूरी गाजर मैं ले लूँगा। किसान उससे बात करता है, बार्गेन करता है,
वहाँ मंडी की तरह से माहौल नहीं है कि कोई दूसरे ही बोली लगाते हैं किसान की आवाज़ नहीं सुनी जाती। भाव और भाव तय कर सकता है और इसलिए ये ओपन मार्केट का रास्ता दिया है। मैं कई स्थानों पर हिसार के वो स्थान मुझे मालूम नहीं कहाँ कहाँ है, पासरा में यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है, सियाड़वा में, तो ये जो अलग अलग श्यामगढ़ में खरबूजे का है, करनाल में, हमारे झज्जर में अमरूद का बहुत जोरदार है, बागू बेर का है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो किसान ये काम करता है। चुप हो जाए यार। मैं देखता हूँ हमारे दुजाना में बावरिया समाज के लोग सड़क के किनारे ट्रक के ट्रक के आज जाते हैं, ट्रॉली में भर के जाकर बेचते हैं। अगर पुराने APMC एक्ट के तहत देखें तो बावरिया समाज ऐसे प्याज का व्यापार नहीं कर सकता है। उनको मंडी में एक दुकान लेनी चाहिए 1 करोड़ की, 1 करोड़ से कम तो दुकान मंडी में मिलती नहीं, और फिर उनको आड़त के उसके सबके लाइसेंस लेने चाहिए और फिर वो अपना व्यापार करें। इतनी पूंजी तो उनके पास है नहीं, ट्रक का प्याज जितनी पूंजी है। इन नए कानूनों ने उनको स्वतंत्र कर दिया है कि आप कहीं से प्याज लाओ और कहीं पर बेचो और कोई APMC एक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन सरकार ये समझती है कि इस सुविधा का लाभ प्रारंभ में 5% लोग ही उठा पाएंगे, सने सने ये दायरा बढ़ेगा, इसलिए बाकी 95% लोगों के लिए मंडी व्यवस्था जो कि क्यों रहेगी। मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं इस नया रास्ता देने से कि मंडियों का असर आ जाएगा, MSP पे असर आ जाएगा। ना MSP के सिस्टम पर कोई असर आएगा, ना मंडी पर कोई असर आएगा। जो डायरेक्ट बेच सकता है वो बेचे, बाकी सबके लिए MSP और मंडी की व्यवस्था जो कि क्यों रहेगी। और आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ और प्रतिपक्ष को भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर झूठ फैलाना बंद करें। मुझे इस बात की खुशी है कि राफेल अम्बाला में उतरेंगे। अम्बाला बहुत ही क्रांतिकारी जगह है, जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें भी अम्बाला का बहुत बड़ा शुरुआत की बात थी, और आज अम्बाला फिर से बाकी भी जो युद्ध हुए उसमें अम्बाला के छावनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज मुझे खुशी है कि अम्बाला की धरती पर राफेल उतर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आनंदित भी हूँ और अभिनंदन भी कर रहा हूँ कि हमारी हरियाणा की वीर भूमि पर राफेल उतरेंगे और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि हमारे पास राफेल के रूप में एक उपकरण आया है जो भारत की रक्षा में और मजबूती के साथ योगदान दे। सर ऐसा मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषि मंत्री रहते हुए हम जोखिम पूरी करने में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ लगे, और देश के बाकी सभी राज्यों से आप तुलना करोगे तो हरियाणा का किसान सर्वाधिक जोखिम फ्री है। या तो फसल बीमा में कवर होता है या 12,000 रुपये के डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड में कवर होता है, ऐसा देश का और कोई राज्य नहीं है। पंजाब भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, BJP शासित भी बाकी राज्य नहीं है, केवल हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने अपने हर किसान को कवर करने की कोशिश की है। और जो ही DP दल आया उसका नुकसान हुआ, हमारे कृषि मंत्री की अनाउंसमेंट हो गई थी कि तुरंत इसकी जहाँ वो गिरदावरी की जाए जहाँ जहाँ जो नुकसान हुआ है, और अभी भी कभी भी जो नुकसान होता है दोनों ही तरीके से उसको, जो बीमित है उनको बीमे के तरीके से और जो बीमित नहीं है उनको डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से उनको कंपनसेशन दिया जाता है। और अब तक के कंपनसेशन के आंकड़े हरियाणा के वो 4,500 करोड़ के ऊपर के हैं, ऐसा कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में राज्य नहीं है जो इतनी बड़ी राशि कंपनसेट कर रहा हो। हरियाणा इस प्रकार से किसानों को कंपनसेट कर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.